प्रमुख एवं आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने किया नुक्कड़ सभा को संबोधित। अंबेडकर पार्क में किया चंद्रशेखर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण। गुरुवार की शाम 6 बजे भीम आर्मी प्रमुख एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने काफिले के साथ सुसनेर पहुंचे। मंडी चौराहे से डाक बंगले तक बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं डाक बंगले रेस्ट हाउस के बाहर मंच से चंद्रशेखर ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भीम आर्मी पूरे मध्य प्रदेश में पूरी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेगी और सत्ता की ताकत अपने हाथों में लेगी। चंद्रशेखर आजाद ने इस आरे में मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना पर भी तंज कसा। कहा, पहले समय से वोट खरीदने के लिए रात के अंधेरे में रिश्वत दी जाती थी, अब दिन दहाड़े बहनों को 1250 रुपए में वोट खरीदने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई। मोदी जी मुस्लिम महिलाओं को क्यों दूर रख रहे हैं? आरक्षण में दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को ही आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वह अपनी आवाज उठा सके। चंद्रशेखर आजाद ने सुसनेर विधानसभा में हो रहे दलितों के ऊपर अत्याचार जैसे सिद्धू मेघवाल, रमेश वर्मा का मामला भी कार्यकर्ताओं के बीच रखा, जिसके बाद डांग बंगला चौराहे से चंद्रशेखर काफिले के साथ चल समारोह के रूप में साई चौराहा से होते हुए कोर्ट के सामने स्थित अम्बेडकर पार्क पहुंचे, जहां पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपने विचार व्यक्त किए और पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वंदे भारत से दीपक राठौर की रिपोर्ट। आपकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसको बहुजन समाज पार्टी कितना समर्थन करेगी? ये नकली सा सवाल समझ नहीं आया मुझे भाई। कितना सपोर्ट समाज का, आपकी पार्टी को कितना सपोर्ट मिलने की संभावना? हाँ, ये सवाल है। आप दो दो पार्टियों का नाम ले रहे हैं ना, इसलिए देखिए, ये जनता है और जनता मिट्टी के आदमी को बहुत ताकतवर बना दे और बहुत ताकतवर को मिट्टी में मिला दे। भारत में लोकतंत्र है, जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं, जनता के विधायक और एमपी चुने जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ मेहनत की है, हम पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पिछले 7 सालों में भीम आर्मी ने एक एक दिन ना धूप देखा, ना छांव देखी, ना बारिश देखा, ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, ना रात देखा, ना दिन देखा। हर कमजोर के लड़ाई लड़ने का काम किया। 12 फरवरी को हम भोपाल में अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठा हुए 4 से 5 लाख लोग, और हमने बहुत सारी मांगे सरकार के आगे रखी। मैं जानता सरकार उन मांगों पूरी नहीं करेगी, लेकिन मैंने अपने लोगों को मुझे बताना था कि ये सरकारें सिर्फ आपका शोषण करने के लिए है, आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए नहीं, इसलिए आपको अपने दल को ताकत देनी चाहिए। आज मेरी बात चरित्रार्थ हो रही है कि सरकार ने उन मांगों में से कुछ पे भी ज़्यादा काम नहीं किया। अब मैं अपने लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि किसी और से कुछ मांगने से बेहतर है वो अपनी ताकत बनाएं और इतनी ताकत बनाएं कि आपके जरिए कोई सरकार ना बने। इंडिया गठबंधन के तहत आपकी पार्टी का कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगा या नहीं, वो 24 का मामला है। 24 में क्या होगा, 24 में देखा जाएगा। अब ये 23 का चुनाव पहले मजबूत लड़ेंगे। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हर मंच पे मुस्लिम बहनों को लेके आते हैं और उनके सम्मान की बात करते हैं, उनकी संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब वो महिला आरक्षण लेके आए विधायिका में, उस समय उनको उन महिला मुस्लिम महिलाओं बहनों के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं भी जब लौट रहा था, यहाँ आ रहा था सुसनेर, तो मैंने कुछ बहनें देखी जो खेतों में काम करी 200 रुपये दिहाड़ी पे, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। ये अगर राज लोकतंत्र में भी पैसे वाले लोग ही आगे बढ़ेंगे तो इसके मायने खत्म हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ महिला आरक्षण बिल जो कानून बन जाए बहुत जल्द, वो जल्द लागू हो और उसमें एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय में जो मुस्लिम बहनें उनको भी अपनी बात रखने के लिए प्लेटफार्म मिले, उनको प्रतिनिधित्व मिले और उनके उनका भी जो है प्रतिनिधित्व वहाँ आए उनका, और वो अपनी बात को रख के अपनी समस्याओं के हल के लिए खड़ी हो, क्योंकि आज भी महिलाओं की हालत भारत में दयनीय है और मुझे ऐसा लगता है वो अपनी समस्याओं के लिए खुद आके बात रखेंगे, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए। उनको इसलिए आरक्षण के अंदर आरक्षण दे के एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम बहनों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, लाडली बहनों के लिए कहा है कि ये दिन में खुले रूप से रिश्वत ले रही है। देखिए,
देखिए पहले मैंने बताया ऐसा होता था, आपको याद हो अगर 20-30 साल पहले वोट खरीदने के लिए थैला चुपचाप रात के अंधेरे में लोग लाते थे और पैसे देके वोट खरीदने का प्रयास करते थे। आज दिन के उजाले में पैसे देके वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। क्या ढाई साल से ज़्यादा का समय मुख्यमंत्री जी हो गया, क्या तब उनको इन महिलाओं की याद नहीं आई? मैं तो अपने लोगों को, अपनी बहनों को, माओ को और अपने समुदाय को, बहुजन समाज को ये कह रहा हूँ, 3,01.4 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का, आप 1,250 रुपये पे क्यों निर्धारित हो रहे हो? आप पूरे बजट की तरफ बढ़ो, अपनी सरकार बनाओ, अपनी ताकत बनाओ और इस पूरे बजट का आवंटन करने का प्रयास खुद करो। उससे भी बड़ी बात, मैंने ये भी कहा कि 1,250 रुपये अगर मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो ले लो, क्योंकि वो उनकी जेब के पैसे नहीं है, उनके बिजनेस के पैसे नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा ही है। अगर जनता को मिलेगा तो क्या लाभ है? पहली बार तो बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ ऐसा कर रही है, तो अगर वो देती है तो ले लो, लेकिन 1,250 से गरीबों का भला नहीं होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि महिलाओं को अगर देना ही है तो 1,250 रुपये, तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं महिला ताकतवर हों, सशक्त हों। तो ये सिर्फ वोट को खरीदने का नया तरीका दिन के उजाले में निकाला है बीजेपी ने, और इससे जनता इससे जानकार है, जनता इस बार सबक सिखाने के मूड में। विधानसभा चुनाव में क्या आपकी पार्टी भी लड़ेगी? मजबूती से लड़ेगी सभी सीटों पे, ये पार्टी का फैसला है। आज इस यात्रा के बाद हम लोग बैठेंगे और फिर चर्चा करके, और हो सकता है कल हमारी पार्टी कुछ टिकट जारी करे जिन सीटों पे हम लोग जो है मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं, बता लगातार हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन अपनी टिकट जारी करते हैं। कितनी संभावनाएं लग रही है, ये जनता को तय करना है। आप ये जो लोग देख रहे हैं ये पैसे बुलाई की भीड़ नहीं है, ये अन्याय अत्याचार सहे हुए लोग, और इनके दिल में इच्छा है कि अब इनके लोगों को भी, इनके बीच के लोगों को मौका मिले। बुनियादी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए बुनियादी मुद्दे तो मैं ये कह दूं कि मध्य प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं विहीन है। मध्य प्रदेश यहाँ अभी भी कच्चे मकान है, खाने के लिए लोगों पे अच्छा खाना नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, अच्छा इलाज नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, महिलाओं पे रोजगार नहीं है, एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ रही हैं, कोई गरीबों पे पेशाब कर देता है, कोई उनकी बारात रोक देता है, यानी कि एट्रोसिटी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन सब पे काम होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए, लोग आगे बढ़ने चाहिए, आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए कमजोर वर्ग का। ये सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब पे हम लोग काम करेंगे। आपके विधायक जीतते थे सभी समुदाय को साथ लेकर चलेंगे? ये भारत का लोकतंत्र ही आजादी देता, मैं कौन होता हूँ? भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र तभी शक्तिशाली जब सब लोग मिलकर काम करें, और भारत का संविधान हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? मैं तो पूरे देशवासियों के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी तरक्की के लिए मंगल कामना करता हूँ, और मेरे पास अवसर होंगे तो मैं उनके लिए करके भी दिखाऊंगा।